नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम एग ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। बारिश के मौसम में पकौड़ों का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, तो आइए इस पकौड़े की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ब्रेड एग पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 व्हाइट ब्रेड लिया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक ब्रेड को लेके पानी में डुबो लेंगे, और डुबो के इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, और निचोड़ के इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे, और निकाल के इसे एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे। इसी प्रकार से हम एक एक करके सारे ब्रेड को पानी में डुबो के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड को पानी में डुबो के निचोड़ लिया है, और उसके बाद मैंने इस प्रकार से इसे तैयार कर लिया है। ब्रेड को हम हाथ से मसल के इस प्रकार से अलग कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़े आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हम पकौड़े बना रहे हैं और पकौड़े थोड़े तीखे और चटपटे ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर हम 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। लेकिन अगर आप इसे तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची पाउडर ना डालें। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें अंडे को फोड़ के डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 अंडे का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक स्वाद के अनुसार भी आप इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच बेसन डाल देंगे, और बेसन डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को मैंने हाथ से मिक्स किया है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो चम्मच से भी इन सभी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। पकौड़े तलने के लिए हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम इसे तलने के लिए चलते हैं। इसे तलने के लिए मैंने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि तेल आपका अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, तो आप एक पकौड़े का मिश्रण डाल के चेक कर लें। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण करके तेल में डालते जाएंगे। पकौड़े को तलते समय गैस का आँच हम मीडियम रखेंगे। ये एक तरफ से हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, और पलट के दूसरी तरफ से भी हल्का सा सुनहरा होने तक तल लेंगे। पकौड़े की इस रेसिपी को बनाने में ना ही हमें ज़्यादा समय लगता है, और ना ही इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे हम घर में मौजूद चीज़ों से ही बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, ये सभी को काफ़ी पसंद आता है। पकौड़े हमारे दोनों तरफ से अच्छे सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर सोख ले। बचे हुए मिश्रण से भी आप इसी प्रकार से पकौड़े बना के तैयार कर लीजिए। आप इस पकौड़े को शाम के नाश्ते में चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। मेरे पकौड़े की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, और मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी परेशानी आए तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके अपने मनपसंद चैनल रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।